इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच. मेरा नाम नीतिका शर्मा है. मैं बेसिकली आगरा से हूँ बट मुझे 13 साल हो गए मुंबई में. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा फर्स्ट टाइम, बिकॉज मुझे आते ही 3 महीने में एक बहुत बड़ा पॉपुलर शो मिल गया था उत्तरण कलर्स पे. उसमें मेरा मासूम करेक्टर था और उससे मैं बहुत हाईलाइट हुई थी, घर घर में पहचाने लगी थी. और उसके बाद लकली मुझे एक सेकेंड शो मिल गया था बाबा ऐसा वह ढूंढो NDTV इमेजिन के लिए, जिसमें विक्रांत मेसी और अपने दर्शन कुमार मेन में थे, उनके अपोजिट में मैंने किया. और फिर टीवी सीरियल से थोड़ा मैंने रुख बदल के फिल्मों की तरफ चली गई थी और मेरी पहली डेब्यू हिंदी फिल्म थी लव यू क्रेजी गर्ल, जिसमें सारे सीनियर एक्टर्स थे लाइक सरीना वहाब मैम, जो मोहन जोशी सर, शक्ति कपूर सर और आर्यन वे सर. और वो फिल्म बहुत अच्छी थी, यूथ के ऊपर थी और एक बहुत अच्छा मैसेज है उसमें. सेकंड उसके बाद मैंने फिल्म की चल भाग दीपक डोबरियाल जो एक्टर हैं उनके अपोजिट हम लोग लीड में ही थे. वो कॉमेडी फिल्म थी, वो 2014 में हमने की थी. एंड देन मैंने की थी रिसेंटली अभी ब्रह्मानंद साईं बाबा, जिसमें मिलिंद गुनानी जी आप सब जानते होंगे, उन्होंने उसमें साईं बाबा का रोल अदा किया है और उसमें वो बहुत बड़े स्टार कास्ट को लेकर फिल्म की है और वो तमिल और मराठी और हिंदी में डब थी. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जल्दी जल्दी काम करती गई और जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा काम मिलता गया. आपने बहुत ही इजीली तरीके से बोल दिया 13 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है. आप क्या एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? एग्जैक्टली मैं चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ. मैं आगरा में जब मैंने एक ऑडिशन दिया था जब मैं 8th क्लास में थी, बहुत छोटी थी, तब मैंने एक ऑडिशन दिया था जिसमें रजा मुराद जी के साथ एक अपोजिट सीन था और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम डर नहीं रही मुझे देख के मेरी आवाज़ से? तो मैंने बोला पता नहीं मुझे डर नहीं लगता कैमरे के आगे. उन्होंने मुझे सलाह दी बेटा आप इतना अच्छा काम कर रही हो बिना सीखे हुए तो आप मुंबई जाओ. और फिर मैं मम्मी पापा को ज़बरदस्ती ज़िद लेके मुंबई लेके आई और मम्मी की एक शर्त थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आप अपना एक्टिंग भी करते रहो और पढ़ाई भी कंटिन्यू करो. और मैं फिर मुंबई से आगरा एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी और ऐसे करते करते मैंने MA किया इकोनॉमिक्स से आगरा यूनिवर्सिटी से. फैमिली का बेसिकली बहुत कोऑपरेट सपोर्ट रहा आपको? जी बिल्कुल, अगर फैमिली नहीं होती तो कुछ नहीं होती आज में. सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे घर में सब सरकारी गवर्नमेंट सब ऑफिसर हैं, मेरी मम्मी भी LIC में जॉब करती थी. उन्होंने त्याग किया अपनी बेटी के लिए, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो मुंबई में मेरे साथ ही सेटल रही और मेरे साथ अभी भी हैं वो. अगर बात करें कि आपका 13 साल में कितना मुश्किल भरा सफर रहा, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट को. जी जी. छोटे से किरदार के लिए भी, और आपने तो काफ़ी TV के बड़े बड़े शोज किए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, लोगों ने जिनको बहुत पसंद किया उनका आप एक हिस्सा रह चुकी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं टचवुड में एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जब मुंबई आई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, मैं सच बताऊँ, बिकॉज शायद ऊपर वाला मेहरबान था. मेरे सितारे उस वक्त बहुत बुलंद थे कि मैं एक सीरियल कर रही थी उसके साथ ही मुझे दूसरा मिल गया, फिर वो सीरियल छोड़े फिर मूवीज़ मुझे बैक टू बैक मिल गई और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया मैंने और घर घर में पहचाने लगी. मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे अरे तुम तो ये कर रही हो, सिद्धिविनायक मंदिर जाती थी, सेल्फीज़ लेते थे, ऑटोग्राफ, बहुत अच्छा लगता था. फिर लॉकडाउन के टाइम पे सभी को प्रॉब्लम हुई थी. मैं बोलूँगी उस वक्त भी ऊपर वाले का मेरे ऊपर हाथ था कि मैंने लॉकडाउन में भी, दोनों लॉकडाउन में मैंने काम किया दूरदर्शन के लिए. छूलो आसमान करके एक TV शो है, उस पर मैंने लीड में काम किया, बायोपिक किए कविता मिश्रा जी के साथ और एक और हैं जिन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा नाम है उनके साथ बायोपिक किया. हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था आफ्टर लॉकडाउन और वो सबको ही हुआ था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे हुआ. एक्टर का एक बड़ा सपना होता है नेशनल पे काम करना, आपको बेसिकली आपने कलर्स पे भी काम किया हुआ है, मतलब काफी बिग चैनल के साथ में आप काम कर चुकी हैं. एक एक्टर का सपना और होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना, ये आपको मिला है तो इसके बारे में कितना प्राउड फील कर रही हैं, इसके ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहेंगी और ये कितना बड़ा आपके लिए, ये मतलब कि पुश होता है एक अवार्ड मिलना आर्टिस्ट का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी थोड़ा सा इसमें?
ये आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज क्या होता है, हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में हमें अगर अच्छे मार्क्स आए और हमको अप्रिशिएशन मिलता है तो हम बहुत बूस्ट होते हैं। ये मैंने जब मेरा फर्स्ट दादा साहब फाल्के आइकन लाइफस्टाइल अवार्ड जो मैंने लिया था मुक्ति फाउंडेशन में, वहाँ पर भी मैंने मीडिया में यही बात बोली थी कि हम बूस्ट होते हैं और हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि अप्रिशिएशन मिल रहा है हम जो कर रहे हैं, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये एक सपना है क्योंकि हमको वो अवार्ड मिल रहा है जिन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की, जिनकी वजह से आज इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से घर घर में सिनेमा है, उनका अवार्ड मिलना मतलब लाइक ये आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हर आर्टिस्ट ये मतलब सपना चाहत होती है कि मुझे ये अवार्ड मिले। बिल्कुल, दादा साहब फाल्के अवार्ड मतलब आप सारे अवार्ड्स एक तरफ और ये अवार्ड्स एक तरफ, बिकॉज जो माता पिता का आशीर्वाद होता है ना वो ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड जो आपके हाथ में है, जी, आपको मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस कैटेगरी के लिए मिला? ये मुझे फेस ऑफ द ईयर मिला है, ये 24 नवंबर में हुआ है, और मैं उस वक्त एक्चुअली थी नहीं यहाँ पे, मेरे शूट पे मैं बिजी थी, मैं आउट ऑफ मुंबई थी, बट ये अवार्ड फिर भी मुझे मिला है, तो ये लाइक लकी हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अभी तक दो अवार्ड मिल गए हैं दादा साहब फाल्के के बड़े, और एक और अवार्ड है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वेरी सून। और कुछ ऐड करना चाहेंगे अपकमिंग में, क्या आने वाला है आपका कुछ है? हाँ, मेरे अपकमिंग कुछ शोज आने वाले हैं, बट मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कुछ चैनल्स के लिए, बट ये है कि कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वेब सीरीज है, इतना मैं अभी शॉर्ट में बताना जरूर चाहूंगी कि कुछ अच्छा है। चलते चलते आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ग्लो आ रहा है, क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपने फैंस को? ये मैंने बहुत घी खाया है, मैं सच बताऊँ मैं डाइट करती हूँ। एग्जैक्टली, मैंने बचपन में जितना घी खाया है ना, मलाई शायद किसी ने खाया होगा, ये उसी का है कि मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ और मैं घी भी बहुत खाती हूँ। एक्टर लोग ज्यादा के पसीना बहुत बहाते हैं जिम में, आपका कुछ ऐसा लग नहीं रहा है? नहीं, मैं उल्टा मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ है, दिवाली की बहुत मिठाइयाँ खा के आई हूँ मैं, बट ठीक है, आपका फेस पे नहीं आना चाहिए कुछ भी, आपकी पर्सनालिटी पे नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की, थैंक यू सो मच। कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्याण जी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि सभी उनकी तारीफ करते हैं, मैं भी अगर उसी में तारीफ करूँगी तो थोड़ा लगेगा, बट ये है कि मैं उनको जब फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि इतना बड़ा जो शो हायर करते हैं, इतना बड़ा शो जो प्रेजेंट करते हैं वो, ये कल्याण जी इतने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब मैंने लाइफ में इतने डाउन टू अर्थ इंसान मैंने तो कभी नहीं देखे। और सेकंड चीज़, वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो आजकल नहीं है किसी में। हौसला बहुत है कल्याण जी में, तो आईफा होता है बाहर, इंडिया के बाहर, या फिर कल्याण जी का शो होता है। अरे दुबई में जाके शो करके आए, मतलब तो बहुत बड़ी बात है भाई, दादा साहब फाल्के दुबई में शो करके आए हैं, और अपकमिंग उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट कल्याण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाए और अपने साथ सब लोगों को लेके जाए और बहुत तरक्की करें, और बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। कल्याण जी के साथ में किसी प्रोजेक्ट में दिखने वाले हो? आई होप सो, नॉट रिवीलिंग बट होप सो, कुछ ना कुछ अच्छा। अपने फैंस के बारे में क्या कहना? मेरे फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी आगे और भी कर रही हूँ प्रोजेक्ट, और जल्दी दिखूँगी। और यूथ के लिए मैं एक चीज़ कहना ज़रूर चाहूँगी कि बहुत सारे मैंने देखे हैं बाहर से लोग आते हैं, तो माँ बाप के सपोर्ट के बिना प्लीज़ ना आए, अदरवाइज़ गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।